हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं वीवो X70 प्रो के बारे में। अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग का प्रॉब्लम है या कंप्यूटर से आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये वीडियो उसी के लिए। या चार्जिंग पे वोल्टेज कम ले रहा है या फेक चार्जिंग हो रहा है, अगर आपको फ़ोन में इस तरीके की कोई तकलीफ है तो ये वीडियो भी उसी के लिए है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्जिंग पे। और हाँ, एक बात और है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं और कोई दूसरे मॉडल पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताइए, तभी मेरे को पता लगेगा मुझे क्या बनाना है। तो चलिए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे चार्जिंग मेन बोर्ड पे। तो सबसे पहले देख लीजिए चार्जिंग का, जो यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा करंट आता है USB से होते हुए। देखो मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ये हमारी जो प्लस लाइन है USB की, इससे होते हुए जो हमारा 5 वोल्ट जो करंट आता है चार्जिंग में, तो ये जो करंट है यहाँ पे आता है, तो उसके थ्रू ये होते हुए इस IC में जाता है, इससे IC के थ्रू होते हुए चार्जिंग IC में जाता है। तो ये वो वाली IC है जो चार्जिंग के करंट को कंट्रोल करती है। देख लीजिए आप इस तरीके से, यहाँ से करंट घूम के वापस कहाँ जा रहा है, हमारी ये वाली IC में चार्जिंग। कई बार क्या होता है, ये जो कॉइल है गाइस, ये ख़राब होने की वजह से भी फेक चार्जिंग शो करता है ये। फिर ये IC से करंट घूम के वापस जा रहा है बैटरी कनेक्टर पे, और बैटरी कनेक्टर से वापस करंट इसमें आ रहा है और बाकी सब चीज़ें ऑन हो रही है। तो अब इस पे चीज़ों पे ध्यान मत दो। अब ये कॉइल कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कुछ कैपेसिटर लगे हुए, ये आप सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेन अपना ये है चार्जिंग IC। अगर आपके इसमें कोई चार्जिंग का प्रॉब्लम्स काम नहीं करता है, और ये IC भी देख लेना एक बार आप, ये चार्जिंग फिल्टर कर रही है वोल्टेज, तो ये जैसा उल्टा प्लस माइनस गलती से उल्टा करंट चले गया तो कई बार ये जाने नहीं देती आगे, IC उड़ने नहीं देती है। ये कंट्रोलर है हमारा चार्जिंग IC का, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं USB नॉट कनेक्ट। जैसा आप PC से कनेक्ट करते होंगे तो ये उसके पॉइंट है, तो उसके कनेक्शन हमारे जा रहे हैं यहाँ पे। ये दो कनेक्शन हमारे आ रहे हैं PC कनेक्ट के लिए, दो नहीं वैसे चार है। अपन USB ऐसा लगाओ चाहे वैसे लगाओ तो इस तरीके से काम करता है। तो USB के जो कनेक्शन है हमारे, ये यहाँ पे ये वाले पॉइंट में आ रहे हैं, ये वाले दो पॉइंट में, ठीक है। तो ये माइक वाइक के बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ, आप देख सकते हो माइक वाइक के भी कनेक्शन दिए हुए, लेकिन अभी हम माइक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं USB नॉट कनेक्टिंग के। आपने बोर्ड वगैरह सब चेंज कर लिया उसके बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आगे की प्रोसेस ये आपको देख लेनी है। ये देख लीजिए, ये जो कनेक्शन है हमारे USB जो कनेक्ट होता है हमारा PC से, सॉफ्टवेयर वगैरह सब होता है, डेटा निकलता है, वाले पॉइंट है। यहाँ पे कंट्रोलर IC लगी हुई है, अगर इसके थ्रू होते हुए कंपोनेंट के थ्रू होते हुए IC के थ्रू होते हुए CPU में गया है, तो ये IC कई बार शॉर्ट हो जाएंगी तो भी आप कनेक्ट नहीं होंगे। तो आपको ये सब चेक कर लेना है। ये कॉइल वगैरह तो ओपन नहीं है हमारे, तो रजिस्टर्ड ओपन तो नहीं है, या कैपेसिटर कोई शॉर्ट तो नहीं है, सब चीज़ें देख लेनी है। और उसके बाद डायरेक्टली ही CPU में जा रहा है, फिर वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको यहाँ IC निकालने के बाद भी रीडिंग यहाँ नहीं आ रही है दोनों पॉइंट पे, तो आपको कहाँ काम करना है, आपको अपने CPU पे काम करना है, ठीक है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।